हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SSP क्रैक एग्जाम्स। हम शेफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में डॉक्टर बन सकते हैं। आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज AFMC किसी भी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर AMC का एक ऑफिसर बनने के बाद आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाकर देश और वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में सर्व कर सकते हैं। आर्म फोर्सेज किसी भी डॉक्टर को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और प्रोफेशनली सैटिस्फाइंग करियर है। आप आर्म फोर्सेज को एज अ डॉक्टर MBBS, BDS, MDS और किसी भी PG स्पेशलाइजेशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको SSP क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप CDS रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे CDS और OTA के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स, बहुत सा कंटेंट है जो आपको CDS रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप SSP क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। मेडिकल पोस्ट के लिए सभी रिक्रूटमेंट परमानेंट कमीशन PC और शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC के थ्रू रहते हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से पास होने वाले 50% ग्रेजुएट को डायरेक्टली परमानेंट कमीशन में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर किया जाता है। और वहीं सिविल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को सिर्फ SSC एंट्री ही ऑफर की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SSC ऑफिसर्स का टेन्योर सिर्फ 5 साल का ही होता है, जिसे 9 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें 5 साल और 4 साल के 2 टर्म होते हैं। मतलब एक SSC एंट्री डॉक्टर का टेन्योर टोटल 14 ईयर्स का हो सकता है। जबकि वहीं बात AFMC से SSC एंट्री जाने वाले डॉक्टर्स की जाए तो वो 7 साल के मिनिमम पीरियड को सर्व करने के बाद अगले 7 साल के लिए भी अपना टेन्योर एक्सटेंड करा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको परमानेंट कमीशन PC और शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC दोनों के ही बारे में डिटेल में बताएंगे। और पहले बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन की। शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC एंट्री की अपर लिमिट 45 ईयर्स है और हर साल आर्मी मेडिकल कोर इसे 2 बार कंडक्ट करवाती है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर के तौर पर इंडियन आर्मी या फिर सेकेंडमेंट के तौर पर इंडियन नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए न्यू दिल्ली बुलाने के बाद आर्मी मेडिकल कोर और उसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की SSC एंट्री में मेरिट और सूटेबिलिटी को असेस किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डेजिग्नेटेड आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल्स में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और मेडिकली फिट कैंडिडेट्स को कमीशन ग्रांट किया जाता है। इस एंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स जैसे कि MD, MS, MCH, DM भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन की। परमानेंट कमीशन SSC ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज देकर अपनी SSC सर्विसेज को PC सर्विसेज में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके SSC सर्विसेज के 2 साल होना नेसेसरी है और इसके लिए वो 9 ईयर्स एंड 6 मंथ से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एप्लीकेंट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी का मेडिकल क्वालिफिकेशन या किसी भी फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना एक जरूरी कंडीशन है। अब हम बात करेंगे आर्मी डेंटल कोर यानी कि ADC, जिसमें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की डेंटल ब्रांचेस भी इंक्लूडेड है। और इसकी BDS के लिए इसकी एज लिमिट 28 ईयर्स और MDS के लिए 30 ईयर्स है। BDS के लिए आपकी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ही साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से MDS होना नेसेसरी है और इसके साथ ही 1 ईयर की रोटेटरी इंटर्नशिप, जिसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हो, वो भी मैंडेटरी है। कैंडिडेट का परमानेंट डेंटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना भी अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन में आता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा न्यू दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में बुलाकर उनकी सूटेबिलिटी एंड मेरिट को असेस किया जाता है, जिसे उन्हें आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट किया जा सके। अब हम बात करेंगे रिमाउंट वेटनरी कोर की। क्वालिफाइड मेल वेटनरी ग्रेजुएट्स इंडियन आर्मी की रिमाउंट वेटनरी कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनकी एज 21 से लेकर 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री से BVSC और AH डिग्री होना नेसेसरी है।
तो ये थी बात इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के डॉक्टर्स बनने की वेज के बारे में। आई होप आप लोगों को इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में डॉक्टर बनने की वेज के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।